एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क विल रिमेन सेम. कब? जब करंट कैरिंग वायर इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड या फिर बार मैग्नेट इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड. तो टॉर्क सेम रहेगा. कैसे? मुझे एक बात बताओ कि अगर एक बार मैग्नेट है और मैं आपसे ये बोलूं कि एक बार मैग्नेट का कैपिटल एम कैलकुलेट करो, तो फॉर्मूला डिफरेंट है यार. एम इंटू टूएल लगेगा फॉर्मूला. और अगर मैं कहूँ करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर का कैपिटल एम जनरेट की वैल्यू क्या होगी? आप बोलोगे करंट इंटू एरिया. डिफरेंट है. अब मैंने ये बोला कि सपोज करो आपके पास एक करंट कैरिंग वायर लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड है, तो टॉर्क हमने क्या निकाला था? एन बी करंट एरिया साइन ऑफ एल्फा, वेयर एल्फा वाज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर, ऐसा किया था. या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, करंट इनटू एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? एम मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, क्योंकि करंट इनटू एरिया क्या होता है? कैपिटल एम होता है. तो टॉर्क वेक्टर विल बी इक्वल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्योंकि इसको लिख सकते हैं एम क्रॉस बी, और चलो एन तो है ही है. तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन है वेक्टर फॉर्म में. तो करंट कैरिंग लूप का भी यही एक्सप्रेशन है. और अभी अभी हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट अगर पड़ा होगा मैग्नेटिक फील्ड में, इसमें नंबर ऑफ लूप्स तो होते नहीं, तो टॉर्क वेक्टर का सेम एक्सप्रेशन है. दोनों में आंसर सेम है, बस फर्क एक है कि बार मैग्नेट में कैपिटल एम निकालने का तरीका है साउथ से नॉर्थ, और करंट कैरिंग वायर में कैपिटल एम निकालने का तरीका है चार फिंगर को करंट के साथ, तो कैपिटल एम आता है. तो पॉइंट समझ में आ रहा है? दोनों में आंसर एग्जैक्टली सेम है.